छियानवे में, में इमरान खान साहब ने अपनी सियासी जमात पी टी आई पाकिस्तान तहरीक साहब की बुनियाद रखी जिसका मकसद माशरे के मजलूम और महकूम तबके को जायज़ हकूक दिलाना समाज में मौजूद गए इंसाफी के फरसूदा निज़ाम को तब्दील करना था सबक़ वजीर अजम इमरान खान साहब ने इन कठिन हालात में गरीबों का सबसे ज़्यादा एहसास किया मुल्क को एक बार फिर तरक्की की राह पर, पर गामजन किया वो आया सोचा और कर दिखाया वो जिस मैदान में उतरा उसने ना सिर्फ अपना सिक्का मनवाया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया अपने ख्वाबों को कैसे पूरा किया जाता है मुश्किल से कैसे निमटा जाता है दूसरों के लिए कैसे जिया जाता है शख्सियत और किरदार को कैसे तामीर किया जाता है लोगों को कैसे अपना गिरविदा बनाया जाता है ज़िंदगी में किस चीज़ को कितनी अहमियत दी जाती है माशरे और समाज के लिए कैसे लड़ा जाता है गरीबों का दुख कैसे बांटा जाता है ये तमाम तरखूबियाँ एक ऐसे लीडर में मौजूद हैं जिसकी आज सत्तरवीं साल गिरा है और बोल न्यूज इसकी इंतजामिया टीम ऐसे नहीं चलेगा और डॉक्टर मुबारकबाद पेश करते हैं आप देख रहे हैं नंबर वन न्यूज चैनल बोल न्यूज पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा अच्छा प्रोग्राम का आगाज थोड़ा सा गैर रवायती अंदाज में आज मैं करूंगी बात करना चाहूंगी इमरान खान साहब की निजी जिंदगी के बारे में सबक वजी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक साहब इमरान खान साहब पाँच अक्टूबर उन्नीस सौ बावन को लाहौर में पैदा हुए उनके वालद का नाम इकराम खान न्याजी और वालदा का नाम शौकत खानम था इमरान खान साहब अपने वालदान के इकलौते बेटे हैं इमरान खान साहब ने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया गए और इमरान खान साहब ने उन्नीस सौ चौहत्तर में क्रिकेट ज्वाइन की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कप्तान मुकर हुए जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम ज्वाइन की अच्छा इमरान खान साहब की कहना है कि बहुत ज़्यादा जो मेहनत थी उसका समर पच्चीस मार्च उन्नीस सौ बानवे नाइन्टीन नाइनटी टू में हासिल हुआ जब खान साहब की क्यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तारीख बदल डाली इंग्लैंड को मात देकर कौम को वर्ल्ड कप का तोहफ़ा दिया अच्छा इस फतह ने इमरान खान साहब को हमेशा के लिए कप्तान बना दिया उरूज की ऐसी मंजिलों पर पहुँचा दिया जो किसी किसी को नसीब होती हैं अच्छा इमरान खान साहब ने क्रिकेट से रिश्ता तोड़ा तो समाज की खिदमत का बीड़ा उठा लिया और हुआ कुछ यूँ कि उन्नीस सौ पचासी में इमरान खान साहब की वालदा मोहतरमा शौकत खानम साहिबा कैंसर में मुबतला होकर इस जहाने फ़ानी से रुखसत हो गई वालदा की बीमारी और इंतकाल के इमरान खान साहब पर गहरे असरात मुतब हुए खान साहब ने ये सोचा कि जब एक मुतवस्त तबके का शख्स कैंसर जैसे मूजी मरस का इलाज करवाने से कासिर है तो अगर ये बीमारी किसी गरीब के घर में जन्म ले लेगी तो उसका क्या होगा ये वो सवाल था जिसके जवाब को अमली जामा पहनाने के लिए इमरान खान साहब ने जी जान से सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया और फिर दुनिया ने देखा वो मूजी मरस जिसका इलाज एक अमीर और मुतवसत तबके का शख्स भी नहीं करवा सकता था एक आम और गरीब आदमी उस मरस का इलाज शौकत खानम कैंसर मेमोरियल अस्पताल से मुफ्त करवाने लगा और आज तक कैंसर में मुबतला जो मरीज़ हैं उनका मुफ्त इलाज इसी हॉस्पिटल में होता है और ये अस्पताल जो एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है जिसे इमरान खान साहब ने अपने अज़्म हौसले और कामयाब हित पाया तकमील तक पहुँचाया अच्छा शौकत खानम अस्पताल का एक एज़ा जिसका इजहार आज ही खान साहब ने अपने ट्वीट के ज़रिए किया इस पर हमारा एक सेगमेंट है ये चीज़ ज़रा देखिएगा अच्छा इमरान खान साहब ने अपने इर्द गिर्द होने वाले माशरती समाजी और सियासी बिगाड़ का बहुत असर लिया खान साहब ने पाकिस्तान में दो निज़ामों को जो राइज देखा था जिसमें एक निज़ाम वो था जो सिर्फ़ गरीब के लिए था और दूसरा सिर्फ और सिर्फ अमीर के लिए था जिसे देख कर उन्होंने इंसाफ का नारा बुलंद किया और नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में उन्नीस सौ छियानवे में, में इमरान खान साहब ने अपनी सियासी जमात पी टी आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी जिसका मकसद माशरे के मज़लूम और महकूम तबके को जायज़ हकूक़ दिलाना समाज में मौजूद वे इंसाफी के फरसूदा निज़ाम को तब्दील करना था अच्छा एक साल के बाद आम इंतबात हुए लेकिन कप्तान साहब को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई कप्तान ने हिम्मत नहीं हारी फिर 2002 के आम इत में इमरान खान साहब सिर्फ एक सीट ही लेने में कामयाब हुए फिर इमरान खान साहब पहली बार रुकने कौमी असम्बली मंतख हुए खान साहब ने पार्लियामान में रहते हुए मुल्क के बेहतर मुस्कबिल के लिए कानून साजी में अपना मौसर और मस्बत किरदार अदा किया पाकिस्तान को अमरीकी जंग में धकेलने के खिलाफ आवाज़ उठाई और कैदोमंद की सोबतें भी झेलें अच्छा तो सियासी हालात पर आप देखेंगे जी ए पी डी एम के जो प्लेटफॉर्म है उससे उन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया इलेक्शन का बॉयकआट किया भुट्टो की शहादत के बाद जब कौम को एक लीडर की जरूरत थी कप्तान की कहले की एक शख्सियत और कौम को इमरान खान में उम्मीद की झलक दिखाई थी खान साहब का विजन देखते देखते हर दिल में घर कर गया तरीक इंसाफ के जल से आवाम के लिए एक मिसाल बन गई और बड़े बड़े ग्राउंड छोटे पड़ने लगे अच्छा फिर दो हजार तेरह के आम इंतबा का ऐलान हुआ तो खान साहब अपने पैगाम के लिए हर बस्ती पहुंचे आवाम से ताउन मांगा सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि कौम को एक नई राह दिखाई रास्ता दिखाया इलेक्शन से सिर्फ चार रोज पहले आपको याद होगा जो लिफ्टर से गिर बुरी तरह से खान साहब जख्मी हुए थे और कहने कि यही वो दिन था जब कप्तान ने अपने वादों को अपने अमल से साबित किया बैरूने मुल्क इलाज की बजाय कप्तान साहब ने पाकिस्तान में इलाज करवाया शौकत खानम को तरजीह दी जो उन्होंने पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए बनाया था सिर्फ़ यही नहीं बल्कि ज़ख्मी खान साहब ने स्पोर्ट्स मैनशिप जो स्पिरिट है उसका शानदार मुज़ाहरा करते हुए अस्पताल के बिस्तर से अपील की थी आप सबको याद होगा कि जी कौम जो है वो वोट दे मुल्क बदल दे और कप्तान को वोट मिले अच्छा खैबर पख तनख्वा का एकदार हिस्से में आया फिर के पी के में तब्दीली के सफर का आगाज़ हुआ और निज़ाम हुकूमत में जो जाज़ तब्दीली वो भी देखने में आई तालीम ख़ास तौर पर और पुलिस बेहतर से बेहतरीन के सफ़र पर गामजन हुई अच्छा कप्तान ने चैन न लिया ना इंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जदोजहद का जो दायरा है आप कह लें कि हर गली कूचे तक फैला दिया यहाँ तक कि दो हज़ार अठारह इलेक्शन ने दस्तक दी कप्तान साहब का पैगाम भी दिलों पर दस्तक दे चुका था और 25 जुलाई 2018 का सूरज पाकिस्तान में तब्दीली की नवीद लिए तलू हुआ इमरान खान साहब केदार को चंद माह गुजरे थे और इमरान खान साहब अब वजारतमा के मन पर फ़ाइज थे आवाम को जल्द माशी बहरान से निकलने की नवीद सुना चुके थे और देखते देखते पूरी दुनिया को एक वबाई मर्ज ने अपनी लपेट में ले लिया अच्छा दुनिया की जो सफ़े अबल की मैशतें हैं अपना बाकायदा तोज़न खो बैठी पूरी दुनिया में लॉकडाउन आपने देखा कि लग गया और ऐसे हालात में इमरान खान साहब ने मुल्क को बेहतरीन अंदाज़ में चलायानी गरीब का चूल्हा भी चलता रहा एहसास प्रोग्राम के ज़रिए करोड़ों रुपए की जो शफाफ अंदाज़ में इमदाद की गई और कम बेश दो साल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में रही सबक वज़ी अजम इमरान खान साहब ने इन कठिन हालात में गरीबों का सबसे ज़्यादा एहसास किया मुल्क को एक बार फिर तरक्की के राह पर गामजन किया इमरान खान साहब और उनकी टीम की मेहनत और मुल्क की मैशत को देखते हुए बैन अल्कामी जो जरीदे हैं खात और पाकिस्तान की बेहतरीन जो हमत अमली थी स्ट्रैटेजी थी उसकी तारीफ के बगैर रह नहीं सके मोतरफ हो गए और कप्तान के जन्मदिन उनके अज़म हौसले इस्तलाल पर टीम ऐसे नहीं चलेगा हमारा सेगमेंट मुबारक हो तुमको खुशी का ये समा देखिए ज़रा आज फंसा दो बताओ ऑक्सीजन का क्या फायदा कितने मेगापिक्सल? मेगा अच्छा। वो कौन सा जानदार है जिसकी पांच आंखें किसी भी एंगल से ये नहीं चक्के क्योंकि छठी तो के बच्चे आपसे अच्छे छठी के बच्चे आपसे अच्छे।, आप अच्छे।, आप अच्छे हफ्ता शाम पांच बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर सबसे ज्यादा व्यूज सबसे ज्यादा रील और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर वन पोजीशन पर बरकरार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रहना जाए